देखिए यहाँ पे एक होम पेज पे हर कोई भी वेबसाइट में जाएंगे, चाहे सीपीडब्ल्यूडी में, कोई भी साइट पे जाएंगे सीपीडब्ल्यूडी प्रोक्योरमेंट, या फिर कोई स्टेट, अपने स्टेट के साइट में जाएंगे, दूसरे स्टेट के भी है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फाइंड माई नोडल ऑफिसर। पहला तो ये नोडल ऑफिसर है कौन है नोडल ऑफिसर, इसकी रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हमारे लिए क्या हो सकता है। नोडल ऑफिसर कोई भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो सकता है, यदि जिला परिषद की बात करेंगे तो बीडीओ हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है उनको कौन, किसने उसका रोल दिया हुआ है। इसको हर एक जगह पे कोई होता है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी में आईटी वाले को भी नोडल ऑफिसर का रोल दिया जाता है, तो हर एक जगह पे एक नोडल ऑफिसर का रोल दिया जाता है। जिसको नोडल ऑफिसर का रोल दिया जाएगा वो डिपार्टमेंट का आदमी होगा और उनको साथ में नोडल ऑफिसर के रोल्स दिए जाते हैं। नोडल ऑफिसर में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अभी जैसे मैं अपना आईडी यहाँ पे खुद जनरेट कर सकता हूँ, मैं टेंडर भर रहा हूँ तो मैं अपना आईडी यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ, पर डिपार्टमेंट, यदि डिपार्टमेंट को टेंडर पब्लिश करना है तो उनको भी आईडी लगेगा, वो अपना आईडी कहाँ पे जनरेट करेंगे, तो उनको आईडी जनरेट करने के लिए उनको नोडल ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। तो आप अपने एरिया का नोडल ऑफिसर ढूंढ सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट है, आपको ये बेनिफिट है जनरली जिला परिषद में इसकी ज्यादा जरूरत है, जैसे कि अभी पंचायत समिति का चुनाव हुआ था सरपंच ग्राम, अभी बहुत सारी जगह पे सरपंच बदल गया, ग्राम सेवक बदल गया, और जिला परिषद में ज्यादातर इसका अपने पास आदमी नहीं होता है, तो हम लोगों में किसी को करके देना पड़ता है उनका, तो अपने को वो सरपंच के पास जाके उनका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वो नोडल ऑफिसर के पास लेके जाके उनका आईडी हम क्रिएट करवा के दे सकते हैं। तो उसके पहले उसलिए आपने को नोडल ऑफिसर के बारे में पता होना चाहिए, कौन है नोडल ऑफिसर। तो ये कैसे पता चलेगा, फाइंड माय नोडल ऑफिसर, बोलिए कौन से जगह का देखना है, आरडीडी का, मुझे ध्यान मान लो आरडीडी चंद्रपुर, पूरे चंद्रपुर का जिला परिषद का नोडल ऑफिसर कौन है, सर्च करेंगे यहां से मुझे नोडल ऑफिसर का पता, कौन है, सुनील सर, ये कौन है, सीनियर असिस्टेंट है, और ये इनका मोबाइल नंबर है, इनका ईमेल है, ये पूरे चंद्रपुर का नोडल ऑफिसर। अब इसके अंदर डिपार्टमेंट का देखता हूँ, सीओ वीपी को कोई स्पेशल नोडल ऑफिसर असाइन है क्या, बहुत जगह पे ऐसा भी रहता, नहीं है, ओके, देखता हूँ पर्टिकुलर कोई तालुका को नोडल ऑफिसर है ऐसा, नहीं, मतलब पूरे चंद्रपुर के लिए वही है नोडल ऑफिसर, दूसरा कोई नोडल ऑफिसर असाइन नहीं किया है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, जैसे कि पूना का देखता हूं, पूरे पुणे के लिए, पूरे पुणे के लिए नोडल ऑफिसर कौन है, देखो ये पूरे पुणे के लिए नोडल ऑफिसर, तो ये हमारा पूरा पुणे के लिए, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नोडल ऑफिसर है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे, नहीं है, तालुका लेवल पे कोई है तो आप ऐसे तालुका लेवल पे करके भी देख सकते हो, तो इससे आपको नोडल ऑफिसर के बारे में आइडिया हो जाता है नोडल ऑफिसर कौन, तो आप उनके पास जाके आप उनका उनका जो भी सरपंच होगा या ग्राम सेवक होगा उनका आप आईडी क्रिएट करवा सकते हो और डीएससी रजिस्टर करवा सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो देखो यहाँ पे डाउनलोड्स में जाइए, यहाँ पे यूजर क्रिएशन फॉर्म मिलेगा, ये डाउनलोड करना है, ये आपको फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, ये फॉर्म भरना है, यहाँ पे जो भी ऑफिसर होगा आपके ऊपर का सीनियर अथॉरिटी उनसे ये साइन कराना है और ये फॉर्म भर के नोडल ऑफिसर के पास लेके जाना है, और इसके साथ जिसका आप आईडी बना रहे हो उनका प्रूफ, आईडी प्रूफ, तो इसके बेस पे वो आईडी क्रिएट करके नोडल ऑफिसर देते हैं। नोडल ऑफिसर आईडी क्रिएट करके दिया तो डीएससी आप बाद में उनका इनरोलमेंट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, सेम वैसा ही नोडल ऑफिसर्स का आप करवा सकते हैं इनरोलमेंट, आप उससे खुद भी कर सकते हैं, एक बार आईडी बन गया तो आप नोडल ऑफिसर का खुद इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी का भी आईडी क्रिएट करवा सकते हो आप एज ए डिपार्टमेंट का, यदि आपको लगेगा तो,
ये आपका नोडल ऑफिसर का बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा, एज ए टेंडर, एज ए बीडर, आप टेंडर भर रहे हो और आपको कोई भी कंप्लेन करना है या कोई टेंडर पे ऑब्जेक्शन लेना है, वो पंचायत समिति सुन नहीं रहा है, कहीं पर भी नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्टली नोडल ऑफिसर के आईडी पे जाके उनको मेल कर सकते हो या उनके कॉन्टेक्ट नंबर पे उनको डिटेल्स बता सकते हो। इस पे प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपका सॉल्यूशन मिलेगा। या फिर कोई टेंडर का पेमेंट नहीं मिला है, ईएमडी नहीं मिल रहा है, एसडी नहीं मिल रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिल, कोई भी टेंडर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उनको मेल या उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इससे भी आपको वहां पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा, उनको आप केस राइज्ड कर सकते हैं। सर ये है नोडल ऑफिसर का रिस्पॉन्स। हाँ बोलिए सर, आपने जो पहला एडवांटेज बताया तब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। पहला एडवांटेज ये है क्या सर,